पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर दौरे पर थे और वो क्षेत्र पहुंचे थे, अपने क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे और लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। लेकिन लोगों से मिलते मिलते तेजस्वी यादव ने एक भविष्यवाणी कर डाली। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, आने वाले 2 से 3 महीने में सरकार गिरने जा रही है। फिर क्या था, पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। जेडीयू के नेताओं ने तलवारें खींच दी। बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 से 3 महीने में सरकार गिरने जा रही है, तमाम बयानबाजी शुरू हो गई। अब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बयान आया है। केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं वो कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है और कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न करें। सरकार को जनता ने चुना है और 5 वर्ष तक एनडीए की सरकार चलने वाली है। बता दें कि तेजस्वी यादव जब राघोपुर दौरे पर थे तो जो क्षेत्र के लोग थे वो अपनी समस्याओं को तेजस्वी के सामने रख रहे थे। इतना कहते कहते तेजस्वी ने भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले 2 से 3 महीने में एनडीए की सरकार गिरने वाली है। फिर क्या था, लगातार बयानबाजी शुरू हो गई। जेडीयू के नेताओं का लगातार बयान सामने आने लगा। अब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने जो बयान दिया है वो आपको बता रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के दौरान भीतर घात नहीं करते तो राष्ट्रीय जनता दल 40 सीट पर सिमट कर रह जाती। तेजस्वी यादव को उनकी लोकप्रियता से किसी ने वोट नहीं किया। चिराग पासवान ने जो भीतरघात किया है उसके कारण ही राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त इतनी सीटें ला पाया है। तेजस्वी यादव का वो बयान, 2 से 3 महीने में एनडीए की सरकार गिरने जा रही है। उधर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गया है। केसी त्यागी के बयान के बाद उन तमाम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने भी बयान दिया और कहा कि तेजस्वी यादव दिन में भी सपने देखने लगे हैं। पहले तो रात में देखा करते थे, अब दिन में भी देख रहे हैं, ऐसा कहा है बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, रोज रोज बयान देकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास न करें। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की जो पराजय हुई है उसे तेजस्वी अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। राजद को जो भी सीट मिली है, आगे उन्होंने कहा कि वह तेजस्वी की लोकप्रियता की वजह से नहीं, चिराग पासवान के भीतरघात की वजह से मिली है। चिराग पासवान ने चुनाव में यदि भीतरघात न किया होता तो राजद 40 सीटों पर सिमट कर रह जाती। सरकार 5 वर्षों तक चलेगी। 208 दिनों के बाद शुक्रवार को अपने विधानसभा राघोपुर में तेजस्वी ने कहा था कि घबराइए मत, बिहार सरकार 2-3 महीने में गिरने वाली है। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने है। इधर लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि राजद सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और मेरे पिताजी रामविलास पासवान ने काफी दिनों तक साथ काम किया है, दोनों के संबंध अच्छे रहे। तेजस्वी यादव की ओर से पार्टी में आने को लेकर मिले ऑफर पर चिराग ने कहा कि वो हमेशा से मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऑफर का सम्मान करता हूं, अभी मेरी प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा की है। चिराग ने कहा कि बिहार की बर्बादी का मुख्य कारण नीतीश कुमार है, नीतीश मुझसे बड़े हैं, जब भी मिला हूं उनका पैर छुआ है, आगे भी नीतीश का सम्मान करूंगा, लेकिन नीतियों को लेकर बिहार के सीएम का विरोध जारी रहेगा। पापा के रहते कई बार लोगों ने लोजपा को तोड़ने की कोशिश की। नीतीश को लेकर चिराग ने कहा कि मेरे पिता के आखिरी शब्द थे कि वो कुछ भी हो जाए नीतीश के साथ मत जाना। आज इस बात का बहुत दुख है कि जिन्होंने पापा का राजनीतिक भविष्य खराब करने की कोशिश की उनके साथ पार्टी के लोग खड़े हैं।